हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल के स्लाइसर और टाइमलाइन ऑप्शन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूँ मैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे पिवोट टेबल का कुछ डेटा दिख रहा है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक डेट का कॉलम को इंसर्ट करा लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी एक जो यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी का, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप कोई भी सेल पे क्लिक करिए जिस भी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करिए। जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करिएगा तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से आपको कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करना है तो आपका क्या होगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एक और कॉलम को अब इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल प्लस करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम टॉप में लिख लेते हैं डेट। डेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं अभी आज का ही डेट को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आज कितना तारीख है, 17। आज का डेट डालने के बाद हम करेंगे क्या, इस पर क्लिक करेंगे सेल पे और कॉर्नर पे दो बार क्लिक करेंगे तो जितना भी मेरा नीचे डेटा होगा सभी में ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा, डेट आ जाएगा। आपको दो बार क्लिक करना है। जैसे ही आप दो बार क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा डेट आ चुका है। यहाँ पे मेरा डेटा कितना है, 500 डेटा है। और यहाँ पे ईयर कितना आ चुका है, 2023। जैसे मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कितना ईयर है, 2023, मतलब 2022 से डायरेक्ट कहाँ चल के 2023 तक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए से। जैसे ही आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट करिएगा उसके बाद आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पिवोट टेबल। पिवोट टेबल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पिवोट टेबल का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जब ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मैं यहाँ पे अभी यूज करूँगा न्यू वर्कशीट को और ओके करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं ओके किया हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, पिवोट टेबल वन का एक पिवोट टेबल फील्ड बन के आ चुका है। पिवोट टेबल वन आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रांड को इंसर्ट करा लेता हूँ रो में। ब्रांड को इंसर्ट कराने के बाद आपको यहाँ पे मंथ को भी इंसर्ट करा लेना है कॉलम में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मंथ आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या, क्वांटिटी को वैल्यू में इंसर्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है, मंथ आ चुका है, क्वांटिटी आ चुका है और यहाँ पे ब्रांड आ चुका है। उसके बाद हम करेंगे क्या कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिवोट टेबल एनालाइज टैब में एक ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ, इंसर्ट स्लाइसर। इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम लोग फिल्टर का यूज करते थे वैसे ही इंसर्ट स्लाइसर का भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा पिवोट टेबल टैब में यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर दिया हुआ है। जैसे ही आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जाता है आपको क्या चीज़ का यहाँ पे स्लाइसर बनाना है। तो मुझे स्लाइसर बनाना है अभी यहाँ पे स्टेट वाइज। तो हम यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक स्लाइसर बन के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा स्लाइसर बन चुका है स्टेट नाम से। आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं ड्रैग करके, जैसे मैं यहाँ पे अभी रख लेता हूँ और जहाँ पे आप ड्रैग करके रखना चाहते हैं वहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद मैं एक और स्लाइसर को बना लेता हूँ। तो पिवोट टेबल पे क्लिक करिए। पिवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है पिवोट टेबल एनालाइज टैब में और फिर से इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका रीजन वाइज यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रीजन दिख रहा है और रीजन को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पे रीजन वाइज भी आ चुका है और स्टेट वाइज भी आ चुका है, दो यहाँ पे मेरा स्लाइसर आ चुका है। अभी मुझे अपने डेटा में सिर्फ बिहार का देखना है तो यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट करेंगे तो फिल्टर होकर सिर्फ कहाँ का दिखेगा, बिहार का दिखेगा। यदि आपको गुजरात का देखना है तो आप सिर्फ गुजरात का यहाँ से गुजरात पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप स्लाइसर का फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लाइसर स्टाइल है तो यहाँ पे अलग अलग तरह का स्टाइल बना हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा यहाँ पे न्यू स्टाइल बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं स्टेट वाले पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे आ जाते हैं ड्रॉप डाउन पे। ड्रॉप डाउन पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू स्लैसर स्टाइल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे स्लैसर का नाम दे सकते हैं जो देना है, उसके बाद इसका कलर क्या होगा पूरे का। तो यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग में आइए। फॉर्मेट में आने के बाद आपके सामने में एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये ऑप्शन खुल के आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फिल पे, और फिल पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको जो भी पूरे स्लैसर में कलर लेना है वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी पर्पल को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, और एक ऑप्शन है यहाँ पे हेडर का। तो हेडर का कौन सा कलर होना चाहिए, तो हेडर के लिए भी अभी हम यहाँ पे एक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम डेटा को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें भी कोई एक कलर ले लेते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्टेड आइटम विथ नंबर डेटा, तो यहाँ पे भी हम इसके लिए भी एक कलर ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। एक है अनसिलेक्टेड आइटम, उसमें भी ले लेते हैं कलर। तो मैं यहाँ पे सभी में कलर ले चुका हूँ, और जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, जब आप यहाँ पे आइएगा स्लाइसर स्टाइल में, तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा यहाँ पे बन चुका है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मैं जहाँ बिहार को सिलेक्ट करता हूँ तो बिहार सिलेक्ट हो रहा है, आसाम को सिलेक्ट करते तो आसाम का सिप आ रहा है। मतलब कि ऐसे आपका नॉर्मल क्या रहेगा, रेड कलर में रहेगा, और जो आप जिसको सिलेक्ट करिएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप खुद का अपना स्लाइसर स्टाइल को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस साइड में बगल में दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसर का हाइट को बढ़ा सकते हैं और विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं जितना आपको बढ़ाना है, और अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कॉलम भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे अभी हमको स्टेट को दो कॉलम में रखना है, तो जैसे ही हम यहाँ से दो करेंगे तो दो कॉलम में आ जाएगा आपका। तीन कॉलम में रखना है, तीन कॉलम में रख सकते हैं। चार कॉलम में रखना है, चार कॉलम में रख सकते हैं। जैसे मुझे अभी इसको रखना है पाँच कॉलम में, तो यहाँ से अभी मैं यहाँ से पाँच जैसे ही कर दूंगा तो ये आपका पाँच कॉलम में आ जाएगा। और इसे अभी मैं यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और इधर से छोटा कर लेते हैं, और इसे हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ आसाम का देखना है तो आप आसाम को सिलेक्ट करिए, सिर्फ आसाम का दिखेगा। आपको सबका देखना है तो आप यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दीजिए, आपका सबका यहाँ पे दिखेगा। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे रीजन को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और ईस्ट वाइज देखना है तो ईस्ट का सिर्फ दिखेगा, नॉर्थ का देखना है तो सिर्फ नॉर्थ का दिखेगा, साउथ का देखना है तो साउथ का दिखेगा। यदि आपको सिर्फ ईस्ट का और सिर्फ साउथ का देखना है, मतलब दो जगह का देखना है, तो कैसे दिखेगा, तो पहले आप ईस्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करिए और साउथ पे क्लिक करिए, तो दोनों जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं। जैसे हमको आसाम का भी देखना है, गुजरात का भी देखना है और बिहार का देखना है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आसाम पे और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे गुजरात पे, तो आपका तीनों सेलेक्ट हो जाएगा, आप तीनों का एक बार में देख सकते हैं। यदि आपको सबका देखना है तो आप क्लियर फिल्टर करिए दोनों जगह से, आपको यहाँ पे सबका दिखेगा। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रिपोर्ट कनेक्शन, और उसके बगल में एक ऑप्शन है स्लाइसर सेटिंग। स्लाइसर सेटिंग क्या होता है, आते हैं अभी हम लोग स्लाइसर सेटिंग में। तो स्लाइसर सेटिंग में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है तो रीजन को भी हम लोग चेंज करके यहाँ पे हम लोग जोन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी रीजन को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जोन। जैसे ही जोन लिखेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रीजन हटके यहाँ पे जोन हो जाएगा। तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। उसमें एक और ऑप्शन है, जैसे आपको रखना है अपना डेटा को डिसेंडिंग में, तो यहाँ से आप डिसेंडिंग में भी रख सकते हैं। असेंडिंग में करना है तो आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिपोर्ट कनेक्शन। ये क्या होता है, जैसे देखिए मैं अभी यहाँ पे एक और पिवोट टेबल को इंसर्ट करा लेता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ अपने मेन वाले डेटा में और सेलेक्ट है ही, इंसर्ट वाले टैब पे आएंगे और यहाँ से हम पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग वर्क बुक लेंगे और यहाँ पे हम लोकेशन डाल देंगे जो अभी हम लोग बनाए हैं, तो जस्ट उसी के नीचे में ले लेते हैं यहाँ पे। और ओके करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, मेरा दूसरा पिवोट टेबल यहाँ पे बन के आ चुका है। दूसरा पिवोट टेबल बनने के बाद इसमें भी अभी हम लोग कुछ डेटा को लेते आते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लेते आते हैं मंथ को, यहाँ को सिटी को लेते आते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे सिटी को लाना है, तो सिटी को हम यहाँ पे रो में लेते आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लेते आते हैं क्वांटिटी को। ठीक है, दो डेटा आ गया। अभी हम चाहते हैं क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पे आसाम करें, अभी हम चाहते हैं क्या है कि यहाँ पे आसाम जैसे ही हम सिलेक्ट करें तो ऊपर वाला भी डेटा चेंज हो और नीचे वाला भी डेटा चेंज हो, मतलब कि दोनों मेरा क्या हो जाए, एक साथ फिल्टर हो जाए। तो ये कैसे होगा,
इसके लिए आपको आना होगा यहाँ पे स्लैशर वाले ऑप्शन पे। स्लैशर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है रिपोर्ट कनेक्शन, आपको रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स खुल के आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइवोट टेबल 1 और पाइवोट टेबल 2। तो पाइवोट टेबल 1 तो मेरा काम कर ही रहा है, बट पाइवोट टेबल 2 क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे एक टिक को यहाँ पे चेक कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ये करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों पाइवोट टेबल एक स्लाइसर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे आसाम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे में भी मेरा आसाम का आएगा और ऊपर वाला पाइवोट टेबल में भी मेरा आसाम का आएगा। तो एक साथ क्या कर सकते हैं, दोनों स्लाइसर, तो एक साथ हम लोग दोनों पाइवोट टेबल को एक स्लाइसर से यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग स्लाइसर का यूज करेंगे। उसके बाद ये कॉलम भी मैं बता चुका हूँ और हाइट क्या होता है, जैसे इसका बटन का साइज को हमको बड़ा छोटा करना है। मान के चलिए कि वेस्ट है साउथ है, इसका हमको बटन का साइज बड़ा छोटा करना है। तो यहाँ से हम बटन का साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होता है, तो ये सब मैं नहीं बताऊँगा। उसके बाद एक और ऑप्शन क्या था यहाँ पे आपका, कि जैसे मैं यहाँ पे अभी स्लाइसर पे पाइवोट टेबल पे क्लिक करता हूँ और पाइवोट टेबल एनालाइज में आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टाइमलाइन होता क्या है। देखिए जैसे मैं यहाँ से अभी थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग जैसे यहाँ पे रो लेवल है और इसको अभी हम लोग कर देते हैं डेट वाइज। तो डेट को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे फिल्टर में रखेंगे। डेट को आप जब फिल्टर में रखिएगा तभी आपका यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट टाइमलाइन शो होगा। तो हम लोग फिल्टर में रख चुके हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डेट ही शो होगा और डेट को हम लोग चेक कर देंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक टाइमलाइन बन के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टाइमलाइन बन के आ चुका है हर एक पीरियड का, और इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको करना है उतना बड़ा आप कर सकते हैं। तो अभी छोटा ही रहने देते हैं। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं टाइमलाइन का अलग अलग प्रकार से। अब आपको देखना है सिर्फ जुलाई का तो आप यहाँ पे जुलाई को सिलेक्ट करिए। यदि आपको देखना है सिर्फ सितंबर का तो आप सितंबर को सिलेक्ट करिए। यदि आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का देखना है तो आप यहाँ से तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, आपका तीनों दिख जाएगा एक साथ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मंथ दिया हुआ है और जैसे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वार्टर्स दिया हुआ है और मंथ और डेज, हमको डेज वाइज देखना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेज सेलेक्ट करेंगे तो मेरा क्या होगा कि यहाँ पे जो भी मेरा डेट है वो एक एक दिन के हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये वाला मेरा पाइवोट टेबल अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम करेंगे क्या कि एक और नया पाइवोट टेबल को हम लोग इंसर्ट करा लेंगे। तो शीट 1 में आ जाते हैं और फिर से चल जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमें आ जाना है पाइवोट टेबल में। पाइवोट टेबल में आने के बाद न्यू वर्कशीट रहने देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद डेट को उठा के हम लोग रख देंगे फिल्टर में और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मंथ को उठा के रो में रख देंगे और उसके बाद स्टेट को उठा के हम लोग रख देंगे यहाँ पे कॉलम में और क्वांटिटी को भी उठा के रख देते हैं वैल्यू में। तो आ गया मेरा सारा डेटा। उसके बाद जाएंगे कहाँ, इंसर्ट टाइमलाइन पे जाएंगे, डेट को चेक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही चेक करेंगे यहाँ पे मेरा बन चुका है और अभी हमको देखना क्या चीज़ का है, तो सिर्फ जून का देखना है। तो यहाँ पे हम जे एन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जून का मेरा दिखेगा डेटा। जुलाई का देखना है तो सिर्फ जुलाई का दिखेगा। यदि आपको देखना है कि मेरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितना है तो अक्टूबर को सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ के साथ दिसंबर तक सिलेक्ट करेंगे तो तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए तीनों नहीं दिख रहा है, तो हमको सिंगल सिंगल देख सकते हैं आप। जहाँ तीनों को देखना है तो इसको आप बड़ा कर लीजिए, आपका सिर्फ काम नहीं कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो इसमें कोई डेटा ही नहीं है। तो हम मंथ को अभी कर देते हैं क्वार्टर में। क्वार्टर में करेंगे तो 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1 का दिख रहा है आपका। 2 का देखना है तो 2 का देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा टाइमलाइन का क्या यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे हाइट ब्रिथ है, ये तो आपको पता ही है कि हाइट ब्रिथ आप लोग बढ़ा सकते हैं या कॉर्नर से भी खींच के बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है रिपोर्ट कनेक्शन क्या है। तो जैसे हम लोग उसमें किए थे रिपोर्ट कनेक्शन, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। दो डेटा को एक साथ आपको करना है तो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज करेंगे। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।